आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में निकालना है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन कह रहा है कि 127 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। इफ द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, प्लैंक्स कांस्टेंट भी दिया हुआ और न्यूट्रॉन का मास भी दिया हुआ है, ठीक है। अब हम ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम भी होता है फॉर्मूला, ठीक है। और हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ है, के भी दिया, 3/2 kT, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगा देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई करते हैं, m डॉट ke इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, m डॉट ke इक्वल टू 1/2 mv² हो जाएगा, क्योंकि m² v² इसको mv² लिख दी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू √2mke, ठीक है। ये क्या इतना हो जाएगा mv, और mv इक्वल टू यहाँ पे पुट करते हैं h बाय √2m काइनेटिक एनर्जी, इसको मोमेंटम, और टेम्परेचर कितना दिया, केल्विन में लेते हैं टेम्परेचर, तो 273 प्लस 127, क्योंकि 127 डिग्री में दिया हुआ है तो केल्विन में ले लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8.25 × 10^-21 जूल है। अब हमें क्या निकालना है इसमें क्वेश्चन में, डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसलिए लैम्डा इक्वल टू एच कितना है, 6.625 × 10^-34 डिवाइडेड बाय √2m, कितना दिया हुआ है तुम्हें, m हमें दिया हुआ है, ऊपर देखते हैं, ऊपर m कितना दिया हुआ है, m हमें दिया हुआ है 2 × मास हमें दिया हुआ है 1.66 × 10^-27 kg इंटू 8.28 × 10^-21 कोल टू कितना हो जाएगा, हमें सॉल्व करेंगे तो 1.263 × 10^-10 मीटर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।